पहले होती है टेस्ट सीरीज, विराट कोहली के बल्ले से दोनों पारियों को मिला के सिर्फ 31 रन आते हैं। T20 में दो मुकाबले खेले, एक में एक पर बार गए, दूसरे में बनाए 11, कुल मिला के 12 रन। जहां पर इस समय आधे से ज्यादा क्रिकेट फ्रेटर्निटी कह रही है कि विराट कोहली को भारत की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर देना चाहिए या रखना चाहिए, इसके ऊपर जहां चल रहा है बड़ा कंफ्यूजन, इसी बीच में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर कर दिया है बड़ा खुलासा। विराट कोहली की जगह को लेकर रोहित शर्मा ने बता दिया है कि क्या विराट कोहली प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे या फिर उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है कप्तान रोहित का, बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। देखिए, ये बात तो साफ साफ है कि 2019 के बाद से 2022 भी आधे से ज्यादा निकल चुका है अब, लेकिन विराट कोहली के बल्ले की फॉर्म गायब है, विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया है और अब एक ऐसा दौर चल रहा है जब विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक भी ईद का चांद होकर रह गया है, वो भी आसानी से नहीं आता है। इसी बीच में ये बातें जब अटकलें आ रही हैं कि अगर दीपक हुड्डा जैसा खिलाड़ी एक अच्छी फॉर्म में है तो उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए विराट कोहली की जगह, यानी कि विराट कोहली को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर देना चाहिए और उनकी जगह इन फॉर्म खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने भी एक ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र किया, जहां उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका कहना कहीं ना कहीं यही था कि आप इन फॉर्म खिलाड़ियों को जगह दीजिए और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 से बाहर कर दीजिए। जब इस बात के बारे में रोहित शर्मा से तीसरे T20 मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत की गई तो रोहित शर्मा ने साफ साफ खुलासा कर दिया कि विराट कोहली आने वाले महीनों में मुकाबलों के अंदर क्या भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे या फिर उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा खराब फॉर्म के कारण। आपको बता दिया जाए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से इस बात का सवाल किया गया तो उनका उत्तर आया कि जो भी एक्सपर्ट्स अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस कारण से अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि क्या कुछ हमारी टीम के अंदर चल रहा है, क्या कुछ हमारी टीम मीटिंग में चल रहा है। जबकि उन्होंने इस बात को साफ साफ क्लियर किया कि ग्राउंड के बाहर यानी कि टीम के बाहर जो भी कुछ बातें चल रही हैं, टीम उन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को हमेशा बैक करते रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस दर्जे का खिलाड़ी विराट कोहली है। जिस दिन विराट कोहली फॉर्म में आ गए, हम सब जानते हैं कि अपने दुश्मनों को चुप करवा देंगे विराट कोहली सिर्फ अपने बल्ले से रनों के साथ। रोहित शर्मा ने इस बात को यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उनकी पूरी सहमति है कि विराट कोहली आपको मिलेंगे प्लेइंग 11 में, टीम विराट कोहली को पूरी तरह से बैक करेगी और विराट कोहली हमें हाल ही में या फिर आने वाले कुछ मुकाबलों में कभी भी ड्रॉप होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये एक पॉजिटिव साइन अगर देखा जाए भारतीय क्रिकेट के लिहाजे से, क्योंकि कुछ समय पहले इस बात की अटकलें भी आ रही थी कि रोहित शर्मा विराट कोहली में दुश्मनी चल रही है, जहां पे अगर रोहित शर्मा का ऐसा माइंडसेट है कि वो विराट कोहली को पूरे मौके देना चाहते हैं, उन्हें बैक कर रहे हैं खुद कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही में सारी टीम मैनेजमेंट, तो ये बढ़िया बात विराट कोहली के लिए और उन्हें पूरे मौके दिए जाएंगे। हम सभी की यही उम्मीदें हैं कि कल शाम से शुरू होने वाले ODI श्रृंखला में जरूर कोहली फॉर्म में आए, कोहली का बल्ला चले और अपने सभी दुश्मनों को चुप करवा दें विराट कोहली। और विराट कोहली जिस तरह हमेशा से कहते हैं कि उनके शब्दों से ज्यादा उनका बल्ला ज्यादा बोलता है और उनका बल्ला बोलना चाहिए, और यही बात अब यहाँ क्लियर हो गई है रोहित शर्मा ने जो क्लियर कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी भी एंगल से भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करने वाली है प्लेइंग 11 से। तब तक आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप रोहित शर्मा के इस बयान से सहमत हैं या नहीं। साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए मैं YouTube पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।